चले रुक करेंगे बड़ी खबर का। फरीदाबाद से बड़ी खबर आपको बताते हैं। एक्शन मोड में फरीदाबाद के डीसी जैसे विक्रम सिंह यादव ने रोड निर्माण का जायजा लिया है। खेड़ी पुल में मंझावली तक रोड बनाने में कई खामियां सामने आई हैं। काम ठीक से न करने पर ठेकेदार को फटकार डीसी की ओर से लगाई गई है। अधिकारियों और ठेकेदार को काम में तेजी बरतने के आदेश भी डीसी की ओर से दिए गए। तो बड़ी खबर आपको फरीदाबाद से हम बता रहे हैं। डीसी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। सड़क निर्माण कार्य का जायजा लिया गया है। कई खामियां इस दौरान पाई गई हैं, साथ ही कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी डीसी की ओर से दिए गए। तो फरीदाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। डीसी यादव जिस वक्त पहुंचे, खेड़ी पुल से मंझावली तक बनने वाले रोड निर्माण कार्य में कई खामियां इनके सामने आई हैं। ठेकेदारों और अधिकारियों को कार्य को तेजी से करने के निर्देश भी इनकी ओर से दिए गए। चलिए हरियाणा न्यूज के ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया इस वक्त ऑनलाइन पर हैं। राजेंद्र, डीसी ने सड़क निर्माण कार्य का जायजा लिया के क्या कुछ जानकारी खबर से जुड़ी? बिल्कुल ज्योति, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ये रोड है जो सीधे उत्तर प्रदेश से कनेक्टिविटी इसकी होनी है और इसमें काफी देरी से काम हो रहा है, इसी को लेकर आज खुद डीसी विक्रम सिंह यादव फील्ड पर उतरे और वहां मौके पर जाके तमाम जो निर्माण कार्य है उसका जायजा भी उन्होंने लिया है। साथ ही उन्होंने ठेकेदार को नोटिस जारी करने की बात भी कही है और उसमें कुछ ना कुछ अनियमितताएं जो है वहां पर मौके पर मिली हैं, जिसको लेकर ठेकेदार को नोटिस भी जारी किया जाएगा। इस रोड के बनने से हजारों लोगों को यहां का फायदा पहुंचना है जो काफी लेट हो चुका है। हालांकि अभी भी फरवरी तक का समय उन्होंने निर्धारित किया है, यदि फरवरी तक अगर काम पूरा नहीं होता है तो भी अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की बात उनकी तरफ से कही गई है। जी चलो, बहुत शुक्रिया राजेंद्र, पूरी जानकारी आपने दी। तो बड़ी खबर आपको फरीदाबाद से हमने बताई, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हरियाणा न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है जहां सड़क निर्माण कार्य का डीसी ने जायजा लिया है। कई खामियां पाई गई हैं, खामियां दूर करने और निर्माण कार्य में रफ्तार लाने के निर्देश दिए गए हैं।